नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग के लिए हरदा ने किया विधानसभा कूच। राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा, मुहर लगने के बाद राज्य में लागू हो जाएगा कानून। विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंची छात्राएं, सीएम धामेसे की मुलाकात। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने रामनगर के केंद्रों में डाले ताले, मांगों के समर्थन में प्रदर्शन। रुड़की में पेट्रोल भरवाने को लेकर युवकों ने पंप कर्मियों पर बरसाए डंडे, नकदी लूटने का भी आरोप। अब खबरें विस्तार से। नैनीताल जिले के बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित किए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस के सहयोगियों के साथ मिलकर विधानसभा कूच किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस दौरान कहा कि उनकी पार्टी राज्य के ज्वलंत मुद्दों को उठाएगी। हरदा ने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ ही राज्य के कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी उठाएगी। हरीश रावत ने अतिक्रमण के नाम पर हटाए जा रहे लोगों की तरफदारी करते हुए कहा कि हम सरकार बदल देंगे। राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा है। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। विधायी ने माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है, जो कि ये संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया। वहां से मुहर लगने के बाद राज्य में कानून लागू हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचे महादेवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से लोकतंत्र की व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की। पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सरकार पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले डालकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया गया है। इसी का असर कुमाऊं के प्रवेश द्वार और बड़ी मंडी रामनगर में देखने को मिला। रुड़की के कमिलपुर गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि बाइक सवारों ने तेल भरवाने को लेकर पंप कर्मियों के साथ मारपीट कर दी। पंप कर्मियों का आरोप है कि हमलावर बाइक सवार नकदी भी लूट ले गए। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वही बजट सत्र के बीच ही सीएम धामी दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री धामी के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन मंत्री अजय कुमार भी दिल्ली रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के जीटीसी हेलीपैड से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में लोकसभा चुनाव से जुड़ी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ बीजेपी की अन्य चुनाव संबंधी बैठकों में भी सीएम धामी हिस्सा लेंगे। देहरादून के विकास नगर में त्योड़ी अटल मार्ग पर बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर खाई में गिर गई। दुर्घटना में दो बच्चों और दो महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को देहरादून स्थित हायर सेंटर भेजा गया है। रामनगर में दो दिन पहले एक घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की गई है। वहीं घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमाऊं के हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का कार्य तय समय में पूर्ण रूप से नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने निर्माण कार्य कर रही संस्था से कार्य पूर्ण होने पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। उत्तराखंड में एक बाघ का शव मिला है। तराई पूर्वी फॉरेस्ट रेंज में मिले मरे बाघ की उम्र 9 साल के करीब बताई जा रही है। ऐसी आशंका है कि बाघ आपसी संघर्ष में मारा गया होगा। प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु बागनी ने बताया कि बाघ के शव के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।